हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड में अब सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया है। मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाए जाने की मांग इन दिनों देशभर में उठ रही है। इसी के चलते अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अनिल विज ने फरीदाबाद पुलिस को भी यह आदेश दे दिया है कि पुलिस भी कोर्ट में चालान जल्द से जल्द पेश करे। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने फैसला किया है कि निकिता हत्याकांड की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवाई जाएगी ताकि दिन प्रतिदिन सुनवाई हो सके और आरोपियों को शीघ्र अतिशीघ्र सजा दी जा सके। हमने फरीदाबाद पुलिस को हिदायत दी है कि वो कोर्ट में चालान जल्दी से जल्दी दाखिल करने की कोशिश करें। सब क्या कारण है, पुलिस जो है वो कार्रवाई भी कर रही है, तीन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन फिर भी लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, लोग आरोपियों को सख्त सजा की मांग कर रहे हैं और वो उनका अधिकार है करने का। अब सजा तो कोर्ट देगी। और लाख छुपाने के बाद भी जो सच होता है वो पाड़ कर बाहर आता है। पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा कि हमला नहीं हुआ है। अब उन्होंने खुद माना है कि हमारी सरकार की उपलब्धि है और कम से कम राहुल गांधी को अब तो मान लेना चाहिए कि हमने पाकिस्तान में घुसकर उनको मारा है। पहले तो नहीं मानते थे, अब तो मानना चाहिए। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री की सभा में लोगों को लालच दिया गया और लालच देकर भीड़ जुटाई गई, इसकी शिकायत जो है चुनाव आयोग से करेंगे। ये भूपिंदर सिंह हुड्डा की बुखलाहट है और मेरा जिंदगी का अनुभव है कि चुनाव में जो व्यक्ति रोता है, शिकायतें करता है, समझ लो कि वो हार रहा है।